काहे पीछे पड़ल बाड़ा हमारे पमरल बाड़ा माठा पुकी पिया तारा मधु से कजरल बाड़ा। सवाल उठ रहा है कि अनुपमा यादव जी अक्षरा सिंह जी के साथ रील बना ली, इसके कारण पवन सिंह जी उनको गाना से हटा दिए। बट हो सकता है कि मैंने अच्छा ना गाया हो इसलिए मेरी आवाज हटा दी गई, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मैंने अच्छा ना गाया हो या उनको पसंद ना आया हो। सबका भाई गौरी शंकर आज हमारे साथ भोजपुरी की सुपर स्टार गायिका अनुपमा यादव जी हैं। कैसी हैं आप? कैसे की हैं आप? कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं, तुम कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा अनुपमा जी, हरी हरी ओटनी मार्केट में ब्लास्ट कर रहा है पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ, वो गाना दो लाइन हो जाए पहले। हाँ वो तो देखिए, जो भी गाने मैं ज्यादा नहीं गाती, बट जो भी गाती हूँ माता रानी और जनता का प्यार इतना मिलता है कि लोग वेट करते हैं कि नेक्स्ट गाना कब आएगा। तो वो भी गाना है जो बहुत ही प्यारे आशीर्वाद आप लोग का मिला। काहे पीछे पड़ल बाड़ा हमारे पमरल बाड़ा माठा पुकी पिया तारा मधु से कजरल बाड़ा। अरे के कर जो गवलो हा भगिया गोरी कहा वो तवलो हा गया गोरी कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवना बगिया ये गोरी। क्या बात है, ये गाना तो मार्केट में भी धमाल मचा दिया है। साथ ही में आज जो है पावर स्टार पवन सिंह जी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक पोस्टर लीक हुआ है, जिस पोस्टर का नाम है पुदीना 2.0। उसमें ये अनुपमा यादव जी नहीं नजर आ रहे हैं, उस गाने को अनुपमा यादव जी क्यों नहीं गाए? देखिए मैंने गाया था बट हो सकता है कि मैंने अच्छा ना गाया हो इसलिए मेरी आवाज हटा दी गई, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मैंने अच्छा ना गाया हो या उनको पसंद ना आया हो इसलिए मेरी आवाज हटा दी गई। खैर शिल्पी भी मेरी बहन है, चाहे वो गाए चाहे मैं गाऊं बात एक ही है, वो भी मेरी बहन है। मैं भी चाहती हूँ वो आगे बढ़े, वो भी हमेशा से चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुदीना 2.0 उसने भी गाया, इससे पहले भी सावन प्रियंका दीदी ने गाया है, प्रियंका सिंह दीदी ने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है मैंने गाया था, मेरी आवाज में अच्छा ना लगा हो, तो देन पुदीना एक तो आपने सुना ही है अच्छे से, तो हो सकता है मेरी आवाज में अच्छा ना लगा हो इसलिए उन्होंने हटवा दिया। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरी बहन है, सब आगे बढ़े नाम करे। पुदीना जो गाना था 1 बिलियन जा रहा है, वो पवन सिंह जी और अनुपमा यादव जी का कह रहा था कि वो लकी माना जाता है गीत को। हाँ। क्या लगता है शिल्पी राज जी इस बार गाएंगे वो गाना, उस ब्लास्ट करेगा कि नहीं? इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अच्छा ही गाया होगा शिल्पी ने, शिल्पी अच्छी कलाकार है और पवन भैया की तो बात ही अलग है, वो तो स्टार है। तो खैर मैं उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि सारे स्टारों का प्यार मुझे मिलता है। खैर ये भी प्यार मुझे मिला है और अगर शिल्पी को मिला है तो शिल्पी ने भी बहुत अच्छा गाया होगा। कहीं ना कहीं पब्लिक फिर उस गाने में कहीं पुदीना 2.0 में अनुपमा यादव जी को खोजेगी। वो खोज ही रही है वो मुझे ऑलरेडी मैसेज आ रहे हैं क्योंकि कई जगह मैंने बोल दिया था कि रिकॉर्ड हो गया है। ये प्रियांशु जी के पेज से भी पोस्ट हुआ था कि पुदीना 2.0 कम्प्लीट, और कई लोगों ने पोस्ट डाले। रोशन सिंह विश्वास जी ने बोला है कि अनुपमा ने गाया है, फिर प्रियांशु जी ने भी कई इंटरव्यूज में बोला है कि अनुपमा ने गाया है। अब मेरी आवाज क्यों हटाई गई मैं नहीं जानती, हो सकता मैंने कुछ गड़बड़ गाया हो या मुझे नहीं अच्छा लगा हो मेरी आवाज में इसलिए उन्होंने हटवा दिया। मुझे इस बात की कोई दुख नहीं है। खैर आज एक और टीजर लॉन्च होने वाला है बड़े भैया खेसारी लाल जी के साथ सारे गामा से, उसका भी कल टीजर आ जाएगा। खैर सब महादेव का आशीर्वाद है और आप सभी जनता के, पर मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं। क्या कारण था जो अनुपमा यादव जी का गाना रिकॉर्ड हुआ पुदीना 2.0 फिर भी शिल्पी राज जी की आवाज में वो गाना मार्केट में आ जाता है? ये बात आप पवन भैया से और प्रियांशु सिंह जी से पूछिएगा और उनके टीम से पूछिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो हमेशा किसी का भी गाना हो, वो किसी भी कलाकार का गाना हो, मैं हमेशा अपना बेस्ट देती हूँ। और नहीं लॉन्च हुआ इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं नहीं जानती, ये आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो अच्छा किया। मुझे किसी से, देखिए मैं चैनल के माध्यम से भी यही बोलना चाहूंगी, मुझे किसी से द्वेष नहीं है। पवन जी स्टार थे, स्टार है और आजीवन उनके जैसा कोई नहीं है। मेरी आवाज क्यों हटाई गई, हो सकता मैंने कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि अनुपमा यादव जी अक्षरा सिंह जी के साथ रील बना ली, इसके कारण पवन सिंह जी उनको गाना से हटा दिए? नहीं, ये लोग कलाकार है, बस जनता प्यार देती है ना। पुदीना मेरा वैसे ही हिट है यार, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। पुदीना मेरा वैसे ही हिट है, मैंने हरी हरी ओढ़नी गाया है वो भी हिट है। अब इसमें क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हाँ मेरा आपसे निवेदन जरूर रहेगा कि जब भी आप इनकी पूरी टीम से मिलिए तो ये क्वेश्चन जरूर रखिएगा कि आखिर अनुपमा की आवाज़ क्यों पुदीना टूपे, इतना बड़ा गाना इतना बड़ा, क्या इसमें भी एक राजनीति हो गया? मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं जब भी बहुत ही फंस जाती हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वैसे हमको लोग घसीट देते हैं। अच्छा अभी खेसारी लाल यादव जी के साथ कौन गाना आ रहा है? मैं बता नहीं सकती लेकिन आ रहा है, बड़ा प्यारा गाना आ रहा है, सारे गाना हम बहुत प्यारा गाना आ रहा है। जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहिएगा? अच्छा गीत सुनिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और हम सभी को ऐसे ही मान सम्मान देते रहिए।